आइए दोस्तों बनाते हैं आलू सैंडविच। ये मैंने ब्रेड ले ली है 4 ठो, इसके ऊपर मैंने गार्लिक और बटर मिक्स करके लगा दिया है पहले, और ये आलू का मसाला मैंने बना के रखा था वो भी मैंने ब्रेड पर लगा दिया है। अब मैंने एक तरफ गैस पे तवा गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, तवे पे देखिए मैंने बटर लगा दिया है, और आप क्या करिए जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे आलू लगा के ब्रेड पर ऐसे पलट दीजिए, ठीक है। सैंडविच बहुत तरीके से बनती है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। अब क्या जो सामने का साइड है उसके ऊपर आप बटर लगा दीजिए और नीचे जो आलू लगा हुआ है उसको सीखने दीजिए अच्छे से। अब देखिए थोड़ा सीख गया तो मैं धीरे धीरे पलट दूंगी, आराम से इसको ऐसे थेप थेप के मतलब उठाइएगा नहीं तो आलू निकल जाएगा, और धीरे धीरे करिएगा। आलू में मैंने नमक मिर्ची और प्याज मिक्स किया है दोस्तों, और ये झटपट बनने वाला नाश्ता है, घर में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, टिफिन में भी दे सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है, ग्रेटेड चीज़, आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा चीज़ डालेंगे ना टेस्ट अच्छा आएगा, और नहीं खाते हो तो मत डालना, धनिया पत्ती और डाल देना ऊपर से, और स्लाइस चीज़ हो तो वो भी डाल सकते हो लेकिन स्लाइस चिपक जाएगी, आप ये मोज़रेला चीज़ ही डाल देना। अब देखिए ना ढक दीजिए ताकि ढकने से ये चीज़ जो है पिघल जाएगी। अभी देखिए वीडियो में दिख रहा है चीज़ जो है अच्छे से पिघल गई है ब्रेड के ऊपर में, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स बनने में, झटपट बनने वाला नाश्ता है। इसको काट दीजिए, इसको आप पिज़्ज़ा ब्रेड, आलू पिज़्ज़ा ब्रेड भी बोल सकते हैं। देखिए आपके सामने, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।